डाक विभाग सोलन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि बड़ी संख्या में लोग डाक विभाग की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। ये बात शिमला लोकसभा के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने अधीक्षक डाकघर सोलन के कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में डाक विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वीरेंद्र कश्यप ने डाक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएं ताकि आम जन इसका लाभ उठा सके। अधीक्षक डाकघर सोलन हेमशंकर शर्मा ने डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोलन मंडल में विभिन्न बचत योजनाओं के अंतर्गत 51,424 खाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मंडल में 27,217 खाते हैं। हिमाचल प्रदेश में, ये सारे देश में हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनको भी जो है बैंकिंग के साथ जो है वो पावर्स के साथ जोड़ा गया है और इसके माध्यम से मैं सोच सकता हूं कि इसका लाभ सीधे सीधे तौर से जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा लाभ आज लोगों को मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि आज ये जो हमारा सोलन का डिवीजन है पोस्टल सर्विसेज का, जिसमें सोलन और सिरमौर जिला जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन दोनों का जो है यहीं पर हम इस चीज को यहाँ कवर करते हैं। अच्छा, इनका काम जो है वो आगे बढ़ा है और सारी योजनाओं को जो है वो लेकर विभाग अच्छा काम कर रहा है। जो सोशल सिक्योरिटीज की स्कीम्स हैं, जिसमें वो चाहे 12 रुपए का इंश्योरेंस है, चाहे वो 330 रुपए का इंश्योरेंस है, चाहे वो अटल पेंशन योजना है या हमारी सुकन्या योजना के अंतर्गत जो हमारी बच्चियों के लिए एक बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी की योजना है, वो उसमें काम करने की आवश्यकता है। पोस्टल साइड में ये जो है अच्छा काम कर सकते हैं इन योजनाओं में।